हाँ मैम, अर्जुन ने सब समझ लिया है। और बताओ, आई हैव लर्नड अबाउट चाइल्ड अब्यूज। यस, और हमने सीखा है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, डिफरेंस होता है। हमको हमने समझ लिया है कि हमको कभी गुड टच और बैड टच के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, और कभी भी ऐसा कुछ हो तो हमें अपने टीचर को या अपने पेरेंट को, मम्मी पापा को जाकर के बताना है। वेरी गुड। और मैम, मगर मुझे ना एक छोटा सा डाउट है मैम, वो है ना, मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मगर मैम कुछ अंकल्स ना, मैम उनसे बड़ा डर लगता है मैम, वो बहुत गंदे अंकल होते हैं मैम कुछ तो। वो आप बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा बेटा। एज को देखकर किसी का भी रेस्पेक्ट मत करो, एज मत देखो, उसका अच्छा बिहेवियर है तो करो रेस्पेक्ट, अदरवाइज अपने टीचर को, पेरेंट्स को बताओ कि आपके साथ क्या हो रहा है। ओके मैम, हम ये बातें ध्यान में रखेंगे। बेटा आपको क्या हुआ, बड़े परेशान दिख रहे हो? नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ। बताओ बेटा, मुझे बता सकते हो? कुछ नहीं हुआ मैम, मुझे बता सकते हो? मैम बिना हेजिटेशन के मुझे बता सकते हो? नहीं मैम, कुछ नहीं हुआ, आगे कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। ओके बेटा, टेक केयर। ओके, स्पॉटलाइट के लिए प्लीज, चलो फोकस लाइट। ए पवन, कहाँ जा रहा है? अरे मेरे मोबाइल में मैंने एक नई गेम डाउनलोड की है। नहीं, अरे आ तुझे दिखा दो ना। नहीं नहीं देखना। अरे आ तो, ये छोड़ो। अरे आ तो सही, छोड़ दे। अरे देखता हूँ तुझे कब तक बचेगा। पवन आज खेलने नहीं जाना, 5 बज गया बेटा। नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना। क्या हुआ? पीछे नहीं जाना मुझे। पर हुआ क्या? नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना, वो नीचे ना, वो भैया है ना, उन्होंने कुछ कहा? नहीं मम्मी, वो मुझे, घबराओ नहीं, मुझे बताओ क्या बात है बेटा। वो गैराज में ले जाते हैं और कहते हैं कि शर्ट उतारो। कब से चल रही थी, कब बोला उन्होंने ये? 4-5 दिनों से। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? वो भैया डरा रहे थे कि। अरे तो मम्मा पापा को तो बताना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। yes. तो तुम बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ, और जो ऐसा काम करता है उसको पुलिस पकड़ के लेके जाती है और उसके से उसको जेल होती है। बिल्कुल भी घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, समझ आया? आप बिल्कुल नहीं घबराओ, अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, उन भैया के साथ। अकेले कहीं भी कहीं में उनको लेके जाने लगे तो उनको मना कर दो, और अपने दोस्तों को बताओ कि ये मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पापा को फोन करके और अभी इन्फॉर्म करती हूँ ये। ठीक है मम्मी, आप बहुत अच्छी हो। ये वाकया था एक छोटी सी घटना जो एक शिक्षक के जागरूक करने की वजह से और माता पिता के जागरूक होने की वजह से जिसको रोका जा सका। हमें ऐसी घटनाओं को छुपाना नहीं है, बच्चों को इस बारे में बताना है कि वो ऐसी घटनाओं को सामने लाएं और ऐसे घृणित कार्य करने वाले विकृत मानसिकता के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, समझ के हमको ना समझाना रे, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन ना, ना चिन्ह जा देंगे, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझ।